हमें रेनड्रॉप सीरीज में ही अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं. फॉर एग्जांपल ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी कैपिटल फॉर्म में हमें प्रिंट करने हैं. तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू है 65 अप टू द कैपिटल जेड की ASCII वैल्यू है हमारी 90, ठीक है. और स्मॉल ए की ASCII वैल्यू है 97, तो स्मॉल जेड की वैल्यू है 122. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ASCII वैल्यू पर से हम अल्फाबेट्स प्रिंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे दो हीडर फाइल मुझे इंक्लूड करनी है, void main function, कर्सर अंदर, अगेन वही इंटीजर i एंड j, दो ही वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही सीरीज प्रिंट करनी है. देन clr scr फंक्शन, फॉर लूप, i की वैल्यू हमें लेनी है 65 क्योंकि कैपिटल ए बी सी डी हमें प्रिंट करनी है. i इज लेस देन इक्वल टू 65, 66, 67, 68, तो यहाँ पे आपको लेना है 68. i प्लस प्लस, कर्सर अंदर, हम यहाँ पे 68 ना लेते हुए i इज लेस देन इक्वल टू 65 प्लस 4 ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन वहां पे फिर हमें इक्वल नहीं देना है. यानी वहां पे कंडीशन आती थी i इज लेस देन 65 प्लस 4, क्योंकि फोर लाइन्स हमें प्रिंट करने हैं, या उससे बेटर है 68 लिख लो. देन फॉर j इक्वल टू अगेन 65, j इज लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस, ओपनिंग प्रिंट. हमें कॉलम के अल्फाबेट्स यहाँ पे प्रिंट करने हैं, बराबर है, रो वाइज फॉर्मेट में अल्फाबेट्स प्रिंट नहीं करने हैं हमें. तो इसीलिए यहाँ पे परसेंट सी कैरेक्टर प्रिंट करना है स्पेस, और कॉलम के कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे दे दूंगी जे. देन क्लोजिंग ब्रेस, प्रिंट बैक स्लैश एन, अगेन क्लोजिंग, गेट सी एच एंड क्लोजिंग. आई की वैल्यू हमारे पास है 65, कंडीशन चेक होगी 65 इज लेस देन इक्वल टू 68, यस, कर्सर लुक के अंदर जे इक्वल टू 65, जे की वैल्यू आ जाएंगे 65, 65 इज लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू है 65, 65 इज लेस देन इक्वल टू 65, यस, कर्सर लुक के अंदर परसेंट सी से जे की जो वैल्यू है उसका कैरेक्टर प्रिंट होगा. जे की वैल्यू है 65, 65 का कैरेक्टर है कैपिटल ए, और स्पेस देके कर्सर यहाँ पे प्रेजेंट. अगेन कर्सर यहाँ से जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू एक से बढ़ जाएंगी, यानी हो जाएंगी 66. कंडीशन चेक होगी 66 इज लेस देन इक्वल टू 65, नो, कंडीशन फॉल्स. कर्सर लुक के बाहर, प्रिंट अप बैक स्लैश एन, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे. अगेन यहाँ से कर्सर ट्रांसफर होगा आपका आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएंगी, यानी हो जाएंगे 66. कंडीशन चेक होगी 66 इज लेस देन इक्वल टू 68, यस, कर्सर लुक के अंदर जे की वैल्यू हमारी है 65, तो 65 इज लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू है 66, तो 65 इज लेस देन इक्वल टू 66, यस, कर्सर लुक के अंदर परसेंट सी से जे का कैरेक्टर प्रिंट होगा, यानी 65 का कैरेक्टर आएगा ए स्पेस. अगेन कर्सर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू एक से बढ़ जाएंगी, यानी हो जाएंगी 66, 66 इज लेस देन इक्वल टू 66, लेस नहीं लेकिन इक्वल है, तो अगेन कर्सर जे से, यानी जे का कैरेक्टर प्रिंट होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा बी, 66 का कैरेक्टर है बी, ठीक है. अगेन कर्सर लुक पे, यानी जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएंगी 67. कंडीशन चेक होगी 67 इज लेस देन इक्वल टू 66, नो, कंडीशन फॉल्स. कर्सर लुक के बाहर, प्रिंट बैक स्लैश एन, यहाँ से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे. अगेन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएंगी, यानी आई की वैल्यू हो जाएंगी 67. कंडीशन चेक होगी 67 इज लेस देन इक्वल टू 68, यस. कर्सर लुप के अंदर जे की वैल्यू अगेन इनिशियलाइज होंगी 65, तो लुप एग्जीक्यूट होगा 3 times, 65 का कैरेक्टर, 66 का कैरेक्टर एंड 67 का कैरेक्टर. तो इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाएगा.